शिव की पत्नी पार्वती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक बच्चे का एक आकार बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और शिव कहीं से आकर लैंड हुए और अपनी तलवार के एक झटके से उन्होंने लड़के का सिर उड़ा दिया। अब उन्हें बच्चे को वापस जीवित करना ही था, तो उन्होंने आसपास देखा, गणों के अंगों में हड्डियां ही नहीं थी और वो ऐसी बोली बोलते थे जो किसी के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिर मिला जो इंसान का नहीं था, वो अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। तो मानसरोवर की गणपति का जन्म यहां हुआ, तो उनका सिर हाथी का नहीं है, वो गणपति हैं। गण मतलब वो गण जो शिव के साथी हैं। पार्वती यहां झील के किनारे बैठी हैं। तो एक दिन उन्होंने अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया, कुछ समय इंतजार किया और फिर धीरे धीरे उस पूरे लेप को निकाल दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ मात्रा में आपकी त्वचा या उसकी कोशिकाएं साथ में आ जाती हैं। इसका उपयोग करके और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन्होंने उसे एक बच्चे का आकार देकर उसमें जान फूंक दी। एक सुंदर सा छोटा बच्चा आ गया और उसका साथ पाकर वो बहुत खुश हुई और वो बड़ा हो गया। वो बस दो ही थे और कोई नहीं था, और शिव कहीं से आकर लैंड हुए। कोई नहीं जानता वो कहां जाते हैं। वो और उनके साथ ही लैंड हुए, पूरे सब के सब मदहोश और आनंद में शिव अपनी पत्नी से मिलने आ रहे हैं। वो उस तरह के हैं। और यहां पार्वती को स्नान करना था, तो उन्होंने एक छोटी सी आड़ बनाकर लड़के से कहा कि देखना इस तरफ कोई ना आए। तो बच्चे ने इस कर्तव्य को बड़े, उनको अपनी माँ की रखवाली करने में बड़ा गर्व है, वो हाथ में भाला लिए हुए इधर से उधर टहल रहे हैं। वो चाहते हैं कोई दिक्कत खड़ी हो, उनको यही चाहिए कि कोई आ जाए और वो उसको खदेड़ डाले। वो बड़ी बेसब्री के साथ अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उस अवस्था में। और अब शिव और उनके साथ ही आ पहुंचे, तो उनको अपनी पत्नी से मिलना है। वो इसी तरफ चले आ रहे हैं और लड़के ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप कौन हैं? शिव ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? और अपनी तलवार के एक झटके से उन्होंने लड़के की गर्दन उतार दी और पार्वती से मिलने चले गए। अपनी पत्नी को 12 साल बाद देखकर वो बहुत खुश थे, पर पत्नी ने जब तलवार पर खून देखा और वो चिल्लाई और उन पर आतिशबाजी हुई। अब उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। उन्हें लगा 12 साल बाद उनका भव्य स्वागत होगा। यहां वो उन पर चिल्लाए जा रही हैं। उन्होंने कहा, आपको उसे वापस जीवित करना पड़ेगा। वो बोले, ये संभव नहीं है, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है, मुझे वो बस जिंदा चाहिए। अब अगर उन्हें अपनी पत्नी चाहिए तो उन्हें इस बच्चे को वापस जीवित करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आसपास के गणों को देखा। They were all there, की 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 की, विकी की की की, like this. वो सब वहां की 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 की, विकी की 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 कर रहे हैं। तो उन्होंने आसपास देखा और गणों के लीडर को देखा। उन्होंने उससे पूछा, क्या? उसने कहा, ठीक है। तो उन्होंने उसका सिर काट कर लड़के पर लगा दिया। ये पहला हेड ट्रांसप्लांट था। तो अब बच्चे का शरीर इंसान का है और सिर एक गण का, वो भी गणों के प्रमुख का सिर, और उसका एक अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, बिना हड्डी का एक अंग। तो वो गणपति बन गए, गणों के प्रमुख। फिर कहीं कुछ समय बाद शिवकाशी के कलाकारों ने, जो तमिलनाडु में है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गण नहीं देखा था और यह जगह हाथियों से भरी हुई थी, बिना हड्डी का अंग मतलब वो हाथी के अलावा कुछ कल्पना नहीं कर पाए। धीरे धीरे उन्होंने उनको एक हाथी बना दिया। अब वो चाहे जो भी कर लें, आज हर कोई उन्हें गणपति ही कहता है, कोई उन्हें गजपति नहीं कहता। ठीक है, कुछ लोग इन दिनों गीत लिख रहे हैं, वो उन्हें गजपति बोल रहे हैं, पर ये फिट नहीं बैठता। गणेश और गणपति ही जचता है, क्योंकि वो गणेश हैं, वो गणपति हैं, वो गणों के राजा या लीडर या गणों के प्रमुख हैं। क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिर मिला जो इंसान का नहीं था, इसलिए वो अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। इस बेहद तीव्र बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने कभी भी किसी चीज को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दिया।
जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है अगर आपके पास पर्याप्त बुद्धि है, है ना? उन्होंने यही सिद्ध करके दिखाया, इसलिए हम उन्हें विघ्नेश्वर बोलते हैं। उन्होंने सारे विघ्न दूर कर दिए क्योंकि उनकी बुद्धि उस लेवल की है। अगर आप उनके शास्त्रों को लिखने के बारे में नहीं जानते तो उन्होंने व्यास से बोला था कि आपका बोलना बंद नहीं होना चाहिए, अगर आप रुक गए तो मैं कलम छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि मैं आपसे बोर हो जाऊंगा। उनकी बुद्धि इस तरह की है। गणेश चतुर्थी का मतलब अपनी तोंद को बढ़ाना नहीं है बल्कि अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं, ना कि अपनी तोंद के लिए। पर आज हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, करके बता रहे हैं कि वो अपनी बड़ी तोंद के लिए जाने जाते हैं, ना कि अपने बड़े दिमाग के लिए। वो अपनी बड़ी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने पेट।